गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेसन 9 पढ़ेंगे, स्वाभाविक दान। ठीक है, स्वाभाविक यानी कि नेचुरल, कुदरती, जो खुद ब खुद होता है, हम लोग नहीं करते, वो स्वाभाविक। दान यानी कि चैरिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 70 पर पिक्चर दिया है। यहाँ पे देखिए एक आदमी है जो पेड़ के नीचे सोया हुआ है, यहाँ पे नदी बह रही है, नेचुरल पिक्चर है। ठीक है, बारिश की बूंदें भी गिर रही है, यहाँ पे गार्डन जैसा है, फूल भी खिले हुए हैं, देखो चारों ओर ग्रीनरी है। अब हम लोग पोएम पढ़ते हैं। ठीक है, पेज नंबर 71 पर देखिए, पेड़ किसी से नहीं पूछता कहो कहाँ से आए, वह तो बस कर देता छाया चाहे जो सुस्ताए, खिलते समय न फूल सोचता कौन उसे पाएगा, उसकी खुशबू अपनी सांसों में भर कर इतराएगा, बादल से जब सहा न जाता अपने जल का संचय, बस वह बरस बरस भर देता नदियां नहर जलाशय, जो स्वभाव से ही दाता है उन्हें न कोई प्रेम भ्रम है, भेद भाव करते हैं वे ही जिनकी पूजा कम है। ठीक है, तो ये है पोयम। और देखिए ये लास्ट में नाम लिखा है बाल स्वरूप राही, ये कौन है, राइटर है, इन्होंने ये पोयम लिखी है। ठीक है, कवि है, हिंदी में कवि कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं, पेड़ किसी से नहीं पूछता कहो कहाँ से आए, यानी कि पेड़, देखिए वृक्ष जो है वो हमें क्या देता है, फल देता है, लकड़ियाँ देता है, पत्ते देता है, फिर फ्रूट देता है, छांव देता है, पेड़ हमें बहुत सारे फायदे हैं, पेड़ से वो हमें ऑक्सीजन भी देता है ना, तो पेड़ से हमें बहुत सारे फायदे हैं और हमारे आसपास हमें पेड़ देखने को मिलते हैं। तो अगर पेड़ के पास कोई आदमी जाता है या कोई भी इंसान जाता है पेड़ के पास, तो उसे कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। पर पेड़ के पास जब आदमी जाता है तो पेड़ उससे ये नहीं पूछता है कि आप कहाँ से आए हो, ऐसा नहीं पूछता है ना। जैसे हमारे घर पे अगर कोई आ जाता है अजनबी इंसान, तो हम उससे पूछते हैं ना कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किसका काम है, ऐसा सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी इंसान पेड़ के पास जाता है तो वो कोई भी अजनबी इंसान से वो नहीं पूछता है कि आप कहाँ से आए हो, आपको क्या चाहिए, वो कुछ नहीं, वो डायरेक्ट उनको छांव दे देता है, वो किसी को जानता पहचानता नहीं है फिर भी उनको छांव देता है, वह तो बस कर देता छाया चाहे जो सुस्ताए, यानी कि कोई भी हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, अजनबी हो, कोई भी हो, उसके पास जो भी जाता है वो उसको वो तुरंत अपनी छाया दे देता है ताकि वो आराम कर सके, उसको आराम देता है, जो गर्मी से परेशान है उनको छांव देता है, हवा भी देता है ना, फिर जिसको भूख लगी उसको फ्रूट देता है, फल देता है खाने के लिए, हवा भी देता है, इस तरह से। अब पेड़ देखो हाँ, दूसरों के लिए कितना कुछ करते हैं, इंसान को बहुत कुछ देते हैं ना, परोपकार करते हैं, परोपकार, पर यानी कि दूसरा कोई, और उपकार यानी कि दूसरों पे उपकार करते हैं, फिर भी वो हमसे कुछ आशा नहीं रखते हैं कि हम लोग उनको बदले में कुछ देंगे। ठीक है, वो इंसानों को बहुत कुछ देते हैं, वो देखो बिना सोचे समझे उसको छाया दे देता है ताकि वो आराम कर सके, लेकिन हम कभी पेड़ के बारे में सोचे कि पेड़ के लिए हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हम लोग नहीं करते ना। देखिए पेड़ हमें इस तरह से दान करता है, खिलते समय न फूल सोचता कौन उसे पाएगा, उसकी खुशबू अपनी सांसों में भर इतराएगा, यानी कि फूल जब खिलता है, कली होता है, तब वो नहीं सोचता है कि मुझे कौन तोड़ के ले जाएगा, मैं किसके पास जाऊंगा, अच्छे आदमी के पास जाऊंगा, बच्चे के पास जाऊंगा, कि खराब इंसान के पास जाऊंगा, वो मुझे तोड़ देगा, बिखेर देगा, ऐसा वो नहीं सोचता है। फूल जो है वो ऐसा नहीं सोचता है कि मुझे कौन पाएगा, कौन ले जाएगा, उसकी खुशबू अपनी सांसों में भर इतराएगा, यानी कि उस फूल का काम क्या है, खुशबू देना, ठीक है, और दूसरे के चेहरे पे मुस्कान लाना, ये उसका काम है। तो वो नहीं सोचता है कि मैं किसके पास जाऊंगा, वो तो अपनी खुशबू सबको देता है, अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान हो, उसको तोड़े या कुछ भी करे, पर वो सबको खुशबू देता है, और फूल की खुशबू तो इतनी अच्छी होती है कि वो अपने सांसों में भर के इतराएगा, यानी कि घमंड आ जाता है ना, थोड़ा इतराते हैं वैसे। तो यहाँ पे फूल भी क्या करता है, अपनी खुशबू किसी को भी दे देता है, बिना सोचे समझे, परोपकार करता है, दान करता है,
ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा, बादल से जब सहा न जाता अपने जल का संचय, संचय यानी कि इकट्ठा करना, ठीक है। बादल यानी कि बादल से सहा नहीं जाता, यानी कि बादल से सहा नहीं जाता अपने जल यानी कि पानी, यानी कि बादल बारिश करते हैं तो बारिश कहाँ से होती है, पहले बादलों में पानी भरता है तब ना, तो पहले बादलों में पानी इकट्ठा होता है तब बारिश होती है। पर बादलों से जब सहा नहीं जाता है ना, इतना पानी इकट्ठा हो जाता है उसके पास कि उससे अब सहा नहीं जाता है, बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो क्या करता है, बरस जाता है यानी लोगों को पानी दे देता है। जब बारिश होती है तो सबको खुशी होती है ना, जैसे फार्मर होते हैं तो उनके खेतों को पानी मिल जाता है, यहाँ पे गर्मी रहती है तो ठंडक हो जाती है, बच्चों को नहाने में मजा आता है, इस तरह से वो अपना पानी भी सबको दे के सबको खुश कर देते हैं। बादल से जब सहा न जाता अपने जल का संचय, यानी कि जब वो पानी इकट्ठा इतना हो जाता कि वो सह नहीं पाता है, तब वो बस वह बरस बरस भर देता नदियां नहर जलाशय, यानी कि जब इकट्ठा हो जाता तो इतना बरसता है, इतना बरसता था एक नदियां नहर और जलाशय यानी कि तालाब होते हैं वो सारे भर देता है, इतना बरसता है। और वो पानी जब नदी नहर और जलाशय में आते तो किसको फायदा होता है, हम इंसानों को ही होता है ना, नदियों से हम लोग खेतों की सिंचाई करते हैं, नहाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, नहर जलाशय जब गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो जाती है तो वही सारा पानी हमें काम आता है ना। तो बादल भी इस तरह से नेचुरल चैरिटी यानी स्वाभाविक दान करते, परोपकार करते हैं दूसरों पे, वो खुद से तो हमसे तो कुछ नहीं मांगते हैं ना कि मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो तुम उसके बदले मुझे कुछ दो, वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ दे देते हैं। आगे देखो, जो स्वभाव से ही दाता है, दाता यानी कि दान देने वाला, स्वभाव यानी कि वो जिसकी आदत है पहले से, उन्हें न कोई भ्रम है यानी कि उनको कोई भ्रम यानी कि शक नहीं है, शंका नहीं है, भेदभाव करते हैं वे ही जिनकी पूजा कम है, यानी कि लोगों में भेदभाव कौन करते हैं, जो पूजा कम करते हैं, भगवान में विश्वास कम रखते, पूजा पाठ कम करते, उनको शक रहता है, वो एक दूसरे में भेदभाव करते हैं, एक दूसरे पे शक करते हैं, भ्रम करते हैं। पर जो दाता है, दान करने वाला है, वो कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करते और ना ही किसी पे शक करते हैं। जैसे कि देखो, हमने देखा ना कि पेड़ है, तो पेड़ कभी ऐसा दिखता है धर्म जाति या लोगों का शक्ल दिखता है कि उसको फूल दूंगा, इसको फल दूंगा, इसको छाया दूंगा, ऐसा नहीं करता ना, उसके पास जो भी जाए वो किसी में भेदभाव नहीं करता और सबको देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, फूल देखिए, वो भी किसी में भेदभाव नहीं करता है, वो अपनी खुशबू सबको देता है जो उसके पास आए, वो भी कोई भेदभाव नहीं करता है। फिर बादल देखिए, बादल भी बरसता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि इसके घर में बरसू, उसके घर में बरसू, इसके घर में नहीं बरसू, वो भी कोई भेदभाव नहीं करता है, बादल तो बरसता सबके पास है, ठीक है, सबको देता है। तो ये क्या है, दाता है, जैसे कि पेड़ है, फूल है, बादल है, ये कौन है, दाता है, दाता यानी कि दान करने वाले, ये सब क्या करते हैं, दान करते हैं, उसके बदले में वो कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते एंड किसी में भेदभाव नहीं करते, सबके लिए एक समान ही करते हैं, ठीक है। जो पूजा कम करते, विश्वास कम रखते, वही भेदभाव करते, शक करते, और जो भी काम करते उसके बदले में वो चाहते हैं ना कि हमने ये किया तो वो उसके बदले में हमें भी कुछ करे, ऐसा सोचते, ठीक है। तो ये पोयम हुई, इस पोयम से हमें क्या सीखने को मिला, पहला तो ये कि हमें परोपकार करना चाहिए, परोपकार यानी कि दूसरों के, हमें अपने लिए तो करना ही चाहिए पर दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए, और अगर हम किसी को दान देते हैं तो उसके बदले में हमें कोई भी चीज की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, बदला नहीं सोचना चाहिए, और हमें कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखो हमने कहा किस किस से सीखा, एक तो पेड़ से सीखा, फूल से सीखा और बादल से सीखा, ठीक है, हमें तीनों से सीखना है, हमें किसी में कोई भेदभाव नहीं करना है, परोपकार करना है, हमें दूसरों की हेल्प करनी है और हेल्प के बदले में हमें उनसे कोई भी नहीं लेना चाहिए बदला, ठीक है। थैंक यू।